कोलार से थोड़ा आगे अभी हम लोग होस्कोल टोल गेट पे अभी यहाँ पर खड़ा देखते हैं 107 109 और थ्रो कर दिए भाई। देख लंबा स्ट्रेच रहना मारने का है कि भाई खींच के बच गया। हेलो भाईस, आप लोग का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो अभी जा रहे हैं कोलार से थोड़ा आगे, अभी हम लोग होस्कोल टोल गेट पे, चलो चलते हैं और पहुँचते हैं। बता रहा 1.5 घंटा लेकिन मेरे को थोड़ा जल्दी पहुँचना है, तो उसके लिए थोड़ा जल्दी जल्दी चलाते हैं क्योंकि अभी ट्रैफिक की भी मिल रही है। अक्सर यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रैफिक हो जाता है, फ़ोन होल्डर को करते हैं टाइट फिर सीधा निकलते हैं। कहीं कहीं से भी आ जाता उल्टा पुल्टा, तो थोड़े देर के लिए हम लोग तो थोड़ा सही से चलाते हैं। अभी आगे हाईवे एकदम खाली मिल जाएगा अपने को। शायद ऑलमोस्ट नो एंट्री है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था कि कोलार जाएंगे ये गाड़ी को लेके, तो कोलार तो चले गए हम लोग। बट क्या ना, उस दिन मतलब मैं नहीं गया था, मेरा भाई गया था। तो आज संडे है, बोले चलो चलते हैं। निकल लिए हैं कोलार के लिए, बस से भी जा सकते हैं। मतलब थोड़ा एक शादी है और शादी अटेंड करने जाना है, चेक करेंगे गाड़ी मतलब कितना भागती है कितना सब कुछ। मतलब ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही करने का अपने को। और वाइब्रेशन हल्का फुल्का हैंडल बार का फील हो रहा है, उसको हम लोग पहुँच गए कोलार 41 किलोमीटर से। और मतलब टोटल जो राइड है ना 100 किलोमीटर की है, बट हमने ऑलमोस्ट 25 to 27 किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं, उसके बाद में मतलब ये चालू किए। बस यहीं पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा, उसके बाद में आगे रोड एकदम पूरा खाली रहेगा हाईवे। तो ये वाली रोड ना चेन्नई को भी जाती है, चेन्नई चित्तूर वो वाली रूट है। ताओ मेरे निकलियो, ऐसे एक ही स्पीड मेंटेन करने का ऑलमोस्ट 70 to 80 मेंटेन करने का है, समझ लो तकरीबन 70 या 75 किलोमीटर और जाना है जहाँ जाना है, फिर वहाँ से तकरीबन 35 किलोमीटर से दूर है। तो भाई स्पीड मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। देखते हैं मतलब उसका हैंडल बार भी मतलब मैंने मंगाया चेंज करने का, क्योंकि यार सिटी राइड में ना ये कंफर्टेबल नहीं, मतलब ये हाथ में दर्द होने लगता है यार, इधर ये पूरा दर्द होने लगता है। सो इसके लिए मैंने मंगाई है, बट अभी एक कुछ क्लैंप जैसा है या प्लेट जैसा है वो नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तकरीबन एक हफ्ता बाद आएगा।
खूबसूरत रोड है यार, आगे माउंटेन्स भी दिखते हैं। ये ऑटोमेटिक दिख रही है, ये तभी ऑटोमेटिक बंद हो रहा था। टाइम अभी हो रहा है 9:15, सो ऑलमोस्ट एक घंटे में 70 किलोमीटर कवर करना है। जैसे लोग रहते हैं मतलब जो मतलब हाईवे पे भी रोड क्रॉस करने लगते हैं, इट्स बिकम वेरी रिस्की। और पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी, मतलब क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है। निकल ले भैयो, तो उस हिसाब से मतलब डिसाइड करना रहता है। चलाते हैं ऑलमोस्ट इसी स्पीड पे और देखते हैं मतलब क्या रिजल्ट आता है। ये भाई ये 200 वाली तो नहीं है जो मेरा सब्सक्राइबर है उसने देखा होगा, 200 वाली नहीं है, 160 है। कोई कुछ ज़्यादा भगा के कोई फायदा है नहीं। कुछ नया मतलब बाईपास जैसा कुछ बन रहा है या दूसरा रोड कोई कनेक्ट होगा। रिकंस्ट्रक्शन ऑन द वे है और यहाँ पे थोड़ा बहुत डाइवर्शन भी हो सकता है। अब किसी का पक्का एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे, ये गाड़ी की मावन हो गई है। ये वाली है ना ऑटोमेटिक बंद हो रही है, क्योंकि मैंने इसमें उंगली नहीं लगाई थी। आपने मतलब वीडियो पीछे करके देखोगे तो बाहर था, लेकिन जैसे जैसे मतलब गाड़ी जा रही थी उस वैसा वैसा बंद होते गया। जब वो पहाड़ वो सब आते हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ। और तो बस दोस्तों इतना ही है कि आगे अभी लंबा सा है थोड़ा, अब पूरा रास्ता कवर करने भाई नहीं हो पाएगा यार, मतलब वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी। तो उस हिसाब से मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये थोड़ा लंबा स्ट्रेस दिख रहा है, थोड़ा यहाँ पे देखते हैं गाड़ी कितनी जाती है। ये लोग को निकल यहाँ पर भगा के देखते हैं। भाई 102 107
आरपीएम लिमिट आ गई थी। नहीं हो पा रहा यार, और कुछ डाइवर्शन है इसके लिए तो हम लोग बहुत ट्रैफिक हो रही। पहले ऐसा नहीं था, पहले क्या था ना, एक ही रास्ता लंबा खींच दो। अभी ये तो जैसे ये बंद कर दिए, तो ये सब नहीं था भाई, काम चलते रहते हैं और क्या। सर्विस रोड पे आ गए हम लोग, यहाँ पर थोड़ा स्लो चलना पड़ेगा। ये देखो भाई, बोला ना ये वाले रास्ते मस्त है, ये लंबा खींच लो, और वो देखो आगे पहाड़ है यार, शोल्डर दर्द होने लगा है। उसके लिए भाई ड्यूक 200 या 250 वाली जो हैंडल आती है ना, वो लगा लेंगे। ब्रेक करके ब्रेक रहा है पहन के यहाँ का, फिर आगे जाके एक कट मिलेगा, फिर अपने को हाईवे मिल जाएगी। इसके वजह से बंद ये पूरे बन रहे रास्ते, पता नहीं क्या खुद हम खाद लगाए रहते हैं। कुछ मतलब अंडर पास टनल बना रहे हैं शायद, भाई वो सामने पहाड़ दिख रहा है। भाई ये रे तालाब, यहाँ से फिर एक अपने को हाईवे पे निकल गया है, हवा देखते हैं कितनी जाती है। कोलार है 15 किलोमीटर, नरसापुरा 2, चेन्नई 278, 278। देख लंबा स्ट्रेच रहना मारने का है कि भाई खींच के। तो ये मेरी जो पिछली गाड़ी थी ना FZ, मैंने इसी रास्ते पे उसको तकरीबन 107 भगाई थी। ये देखो पहाड़ ही पहाड़ है, बाजू में ना नरसापुरा है, वहाँ पे मतलब इंडस्ट्रियल एरिया है, कंपनियां है, वो लोग की कंपनी है और है। मतलब कंपनियां ज़्यादा हैं यार। टाइम हो रहा है 9:35, सो हमने घर छोड़ा था 8 बजे, मतलब 8:30 बजे, ऑलमोस्ट 1 घंटा चला लिया गाड़ी।
ये लोग कैसा रास्ता बनाया है रोड क्रॉस करने के लिए, आगे एक मिलता है लेकिन ये लोग वो इस्तेमाल नहीं करेंगे, बीच रास्ते में ही आएंगे यार। भाई लेफ्ट में जाओ आप लोग, पहाड़ फिर स्ट्रोकिंग भी है, मतलब इस रास्ते में ना बहुत सारे मतलब क्या बोलते हैं नज़दीक में आपको ढाबे मिल जाएंगे, होटल मिल जाएंगे, तो मतलब खाने पीने को इतनी दिक्कत है होती नहीं है। भाई यहाँ पे भी मतलब अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मतलब एरिया डेवलप हो रहा है डे बाई डे। ये भाई सब क्या भगा रहा है, ए माता चौथ माता भिड़ा भिड़ा भाई भिड़ा बच गया। इसके लिए बोलते भाई ज़्यादा वो एक नहीं करने का, और फ़ोन पे बात कर रहे हो भाई, 117 से ऊपर नहीं जाती है। लास्ट तो आपकी NS 160 2023 जो मॉडल है 117 लास्ट जा रही है भाई, तो उसके बाद में मतलब RPM लिमिट आ जा रही है, तो मांग नहीं रही है। कोला 6 किलोमीटर, चित्तूर 119, चेन्नई 271। ठीक है भाई अब चलते हैं, और आगे अगर दिखाने लग रहेगा तो आपको अपने को दिखाते हैं। ये देखो भाई ताता ताता निकल रही हो, ओ ताऊ की हाल है, ताऊ एंजॉयिंग द राइड। आई होप कि मतलब मेरी आवाज़ ना क्लियर आ होगी, विंड ब्लास्ट उतना कुछ ज़्यादा ना हो। एक बंदा मस्त यार पूरा राइडिंग गियर पहन के चला रहा है, अपने पास है ही नहीं। टाइम 15 मिनट्स 35 हमको कितना जाना है बताता हूँ आगे। तो
73 किलोमीटर ऑलमोस्ट जाना है भाई। सो यस, गेट लाइक 60 पकड़ेंगे ना तो आराम से पहुंच जाएंगे भाई। नहीं पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। मतलब फुटरेस पे ना वाइब्रेशन फील हो रही है। आगे टोल गेट भी पड़ेगा, वो टोल पार करने के बाद फिर देखिए फिर सन सन निकलो। KGF-31 Bangar Pit 17 Chennai to 64. Brother, this is Kolar bypass. भाई अभी दूसरे टोल गेट पार कर रहे हैं और यहाँ से अपनी जर्नी ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर हो गई।
ऑलमोस्ट 27 किलोमीटर्स होगी। और उसके बाद में वहाँ से फिर 35 किलोमीटर्स है, मतलब पहले भी बोला था कि वहाँ से 35 किलोमीटर्स वे जाएंगे, थोड़ा बहुत रेस्ट करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे, फिर उसके बाद में निकल जाएंगे। फिलहाल भाई अभी तो हम लोग ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं और GoPro की बैटरी भी होने वाली है बंद, और अभी सीधा चलते हैं, ज़्यादा दूर नहीं है, नज़दीकी है, और शायद विंड ब्लास्ट ज़्यादा आ रही होगी, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो अभी सीधा, ज़्यादा दूर नहीं है, पहुंच ही गए हैं। ये देखो भाई, अभी दिखाता हूँ, ये पहाड़ ना, पहाड़ के पास जाना है, और गर्मी मतलब थी थोड़ी बहुत, हल्की फुल्की थी, इतना तो अगर ट्रैवल कर रहे हो तो ओके, मतलब एडजस्टेबल है। और बाकी तो बस इतना ही है, आगे वो फ्यूल पंप है, वहाँ से अपने को लेफ्ट लेना है। यहाँ से फिर अपन लोग आगे जाके फिर लिफ्ट लेंगे। भाई यहाँ पर कोई कोई सा भी चलाता है यार, ये दिक्कत है। तो मतलब हमने जो किया था 8:15 को घर छोड़ दिया था, सो ऑलमोस्ट इट टुक 2 आवर्स, क्योंकि बस मतलब घर से निकलते ना फिर मतलब तकरीबन 25 किलोमीटर्स वो अंदर अंदर सिटी की ट्रैफिक, और इफ़ यू आर इन अगर बेंगलोर में रह रहे हो तो भाई आप लोग को पता ही है क्या ट्रैफिक रहती है। एनीवेज वी हैव रीच्ड, सो थैंक यू, एंड अगर वीडियो पसंद आई तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ढेर सारा कमेंट करना, एंड कीप सपोर्टिंग योर ब्रदर्स, अपने भाई को सपोर्ट करना। थैंक यू, बाय बाय।